हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एंड माय नेम इज़ शाबाज़ मलिक। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक इंटेक्स के होम थिएटर को किस तरीके से रिपेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो आप अपनी स्क्रीन पर होम थिएटर देख रहे हैं वह इंटेक्स का 2.1 म्यूज़िक सिस्टम है। उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब उसको चलाते हैं तो उसकी इंडिकेटर लाइट जलती है, लेकिन इसके किसी भी स्पीकर में या वूफर में आवाज़ नहीं आती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके इंटेक्स के होम थिएटर में या किसी और कंपनी के, चाहे वह क्रिएटिव का हो, फिलिप्स का हो, सैमसंग, सोनी, किसी भी कंपनी का हो, उसमें अगर आपकी इसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसको आप किस तरीके से ठीक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे कि इसकी इंडिकेटर लाइट जल रही है, इसीलिए हम इसके ट्रांसफार्मर को चेक नहीं करेंगे, हम इसके मदरबोर्ड में इसकी बेस और स्पीकर आईसी को चेक करेंगे। यह ऊपर वाली आईसी स्पीकर की दोनों वॉल्यूम को एम्पलीफाई करती है, और ये नीचे वाली आईसी बेस को एम्पलीफाई करती है। इस आईसी का नंबर TDA2822M है। इसके सबवूफर को आप बड़ी आसानी से बिना मल्टीमीटर के चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपनी उंगली से इस आईसी के ऊपर मारना है। यह जो ठक ठक की आवाज हमारे सबवूफर में से आ रही है, यह बता रही है कि हमारी बेस की आईसी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम इसका वॉल्यूम कंट्रोलर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है इसका वॉल्यूम कंट्रोलर ही खराब हो, इसको चेक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर के अंदर ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके वॉल्यूम कंट्रोलर को शॉर्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला क्या हुआ इसके अंदर? हुआ ये कि इसका वॉल्यूम कंट्रोलर जो ये लगा हुआ है, ये खराब हो चुका है, और ये इसकी साउंड को कम ज़्यादा नहीं कर रहा है। इसने बस इसको इसकी साउंड को बिल्कुल कम कर दिया है, और जैसे ही हमने इसको शॉर्ट किया वैसे ही हमारी एकदम साउंड आ गई और हमारा होम थिएटर दोबारा चलने लग गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको नया लगा देते हैं और ये बिल्कुल दोबारा चलना स्टार्ट कर देगा फिर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं और इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर और अपने मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट चैनल का ऑफिशियल इलेक्ट्रिक पॉइंट का फेसबुक लिंक दिया हुआ है। अगर आप कोई और प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई समस्या का हल चाहते हैं और हमें फोटोग्राफ भेजना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के, तो वह फोटो आप हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं।